हैं हैं अच्छा तो हम चलते हैं। जब सितारे बुलंद होते हैं तो सारी दुनिया सारे सहयोग आपके अनुकूल हो जाते हैं 1970 के दशक में राजेश खन्ना के साथ भी यही हो रहा था राजेश खन्ना आराधना फिल्म से लाइमलाइट में आए थे और दर्शकों पर उनका क्रेज छाया हुआ था दर्शकों पर उनका जादू ऐसा चला कि राजेश खन्ना को दो साल पहले तक कोई नहीं जानता था उन्हीं राजेश खन्ना का पूरा इंडिया दीवाना हो गया था लड़कियां उनकी गाड़ी पर किस किया करती थी और भीड़ उनकी शूटिंग पर पहुंच जाया करती थी राजेश खन्ना को रोजाना ट्रक भर भर के उनके फैंस खत भेजते थे निर्माता ओम प्रकाश ने राजेश खन्ना के करियर की चमक को देख लिया था वो समझ गए थे कि इस वक्त जो निर्माता राजेश खन्ना पर दाव लगाया का उसके घर में सोने की बरसात होगी इसलिए जय ओम प्रकाश ने राजेश खन्ना के साथ उस दौर की सुपरहिट एक्ट्रेस आशा पारेख को लिया और फिल्म के निर्देशन की कमान मुकुल दत्त को दी मुकुल दत्त और जय ओम प्रकाश ने इस फिल्म में उस दौर के सारे मसालों को भर दिया फिल्म में प्यार का ट्रायंगल था गरीब और अमीर की खाई थी एक खुंखार मगर खूबसूरत विलन और एक दरिया दिल हीरो था एक खूबसूरत अबला हीरोइन और दो परिवारों की आपसी रंजिश का तड़का था जय ओम प्रकाश गजब के फिल्मकार थे उन्होंने स्पॉट बॉय के रूप में अपना करियर शुरू किया था और फिल्म निर्माता और निर्देशन के रूप में कई यादगार और कामयाब फिल्में बनाई ए शब्द को वो बहुत ही लकी मानते थे इसलिए उनकी फिल्मों के नाम ऐसे ही शुरू होते हैं अपनी पहली फिल्म आस का पंची और आई मिलन की बेला की सफलता के बाद उन्होंने आए दिन बहार के आया सावन झूम के आंखों आंखों में आपकी कसम आशा अर्पण आदमी खिलौना है जैसी बहुत सी फिल्में बनाई राकेश रोशन उनके दामाद हैं और ऋतिक रोशन के वे नाना है ऐसी हस्ती थे जय ओम प्रकाश वो अपने काम को लेकर बहुत पाबंद थे और चाहे गीतकार हो या संगीतकार उनसे उनका बेस्ट निकलवाने की कोशिश करते थे जय ओम प्रकाश के फेवरेट संगीतकार शंकर जयकिशन होते थे लेकिन आल मिलो सजना के लिए उन्होंने पहली बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मौका दिया था इतनी बड़ी फिल्म हस्ती के साथ मौका मिलने से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को भी बहुत खुशी हुई थी लेकिन उनके मन में भी एक शंका थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये साथ केवल एक फिल्म का हो उन्होंने जय ओम प्रकाश जी से पूछा कि आपके फेवरेट तो शंकर जयकिशन है फिर आप इस फिल्म में हमारा संगीत क्यों लेना चाहते हैं तो जय ओम प्रकाश जी बोले कि मैं तुम्हें इसलिए मौका दे रहा हूं क्योंकि इस फिल्म के गीतों का म्यूजिक केवल तुम ही दे सकते हो लक्ष्मीकांत जी भी उन दिनों बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए थे हर निर्माता उनके साथ काम करना चाहता था उन्होंने जय ओम प्रकाश की उम्मीद पर खरा उतरते हुए इस फिल्म के लिए सुपर हिट म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत जी चाहते थे कि निर्माता जय ओम प्रकाश जी उनके संगीत में कहीं से भी शंकर जयकिशन की कमी महसूस न करें इसलिए वो पूरी मेहनत से काम कर रहे थे हालांकि वे फिल्म की शूटिंग देखने नहीं गए लेकिन निर्माता निर्देशक की कल्पना के अनुसार फिल्म के अलग अलग गानों का संगीत बनाते रहे मगर इस लोकप्रिय गाने को लेकर बहुत मुश्किल आई निर्माता जय ओम प्रकाश चाहते थे कि इस गाने को बातचीत के मूड में बनाया जाए यानी हीरो और हीरोइन इसे गाते हुए नहीं बातचीत करते हुए दिखे ये बड़ी टेढ़ी बात थी दरअसल हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में गानों के बोलों से पहले उसकी धुन बनाई जाती है और फिर उस धुन पर गानों के बोल लिखे जाते हैं इसलिए गीतकार आनंद बख्शी और म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यालाल के बीच बैठकों के कई दौर हुए आनंद बख्शी लगातार अपने दिमाग पर जोर डाल रहे थे कि इस धुन पर क्या लिखा जाए दिन संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यालाल गीतकार आनंद बख्शी और निर्माता जय ओम प्रकाश स्टूडियो में साथ बैठे थे तब लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि गीत पहले लिखे जाने चाहिए तो धुन बाद में भी बनाई जा सकती है इस बात पर सब सहमत हो गए और अनंत बख्शी ने इस बैठक में कई मुखड़े लिखने की कोशिश की और उसे गाकर भी सुनाया लेकिन निर्माता जय प्रकाश ने उन सभी को खारिज कर दिया दस घंटे की मेहनत के बाद भी ऐसा गाना नहीं बन सका जो फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सही हो तब सब लोग मानसिक रूप से बहुत थक चुके थे लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि भाई अब बहुत हुआ अच्छा तो हम चलते हैं तब आनंद बख्शी ने यूं ही पूछ लिया फिर कब मिलोगे तो लक्ष्मीकांत जी ने बोले जब तुम कहोगे कवि का दिमाग वैसे भी तेज होता है आनंद बख्शी को तुरंत आइडिया आया और उन्होंने लक्ष्मीकांत जी से कहा कि आप थोड़ा बैठे लक्ष्मीकांत जी ने कहा नहीं अब मैं जाता हूं तो आनंद बख्शी जी ने कहा बैठो तो सही करीब 25 मिनट कलम घिसने के बाद वे बोले सुनिए गाना तैयार है ये गाना सबको पसंद आया और जब दिसंबर के महीने में ये फिल्म रिलीज हुई तो एग्जाम की तैयारी में जुटे और अपनी परीक्षा के बाद घर जाने को बेकरार स्टूडेंट इस गाने को सुनकर बहुत बेकरार हो गए और इस फिल्म के सब गानों की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी तब कश्मीर की वादियों की

कि जब हम आर्मी सजना की शूटिंग कर रहे थे तो सेट पर सौ या उससे ज्यादा लड़कियों का झुंड पहुंच जाता था सबकी सब लड़कियां राजेश खन्ना से मिलना चाहती थी ऐसे में हमें शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी मैंने राजेश खन्ना के साथ सबसे पहले उनकी दूसरी फिल्म बहारों के सपने में काम किया था उस वक्त वे बहुत ही शर्मिले एक्टर थे जिन्हें शायद ही कोई जानता था लेकिन दो सालों में ही सारी चीजें बदल गईं। उसके बाद हमने जब काम किया तो वह सुपरस्टार बन चुके थे उन्होंने बताया कि अच्छा तो हम चलते हैं कि गाने की शूटिंग के दौरान हमने खूब मस्ती की दरअसल हमें दिन ढलने से पहले जल्द से जल्द पैकअप करना होता था लेकिन इस जल्दबाजी के चक्कर में राजेश खन्ना और मैं अपने गानों की नों को लेकर कंफ्यूज हो गए और एक दूसरे की लाइन गुनगुनाने लगे उसके बाद हम इस चीज को याद करके बहुत हंसते थे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आज की कहानी में इतना ही अपनी दोस्त शैली आनंद को इजाजत दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार